अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग बर्ड्स पाकिस्तान। दोस्तों आज हमने विज़िट किया उसामा भाई की छत का। उसामा भाई के कबूतरों की खुलत है आज। कबूतरों की कंडीशन देख लें आप, कैसी हुई है। बिल्कुल लग रहे हैं जाल के ऊपर आ गए। चले भाई बिस्मिल्लाह करें। और ये गेट खोलना उसामा भाई, कल जो है इनको बढ़िया करवाई थी, आज जो है इंशाल्लाह तावा लगवा देंगे इनको। ये खोल दिए कबूतर। अंदर बाहर कर रहे हैं अभी दोस्तों कबूतरों को। नेट वगैरह हटा दिया है बाकी दोस्तों। जैसे ही तावा लगाते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं वीडियो। अभी सिर्फ अंदर बाहर कर रहे हैं जाल में। लाल हवा बीलिया देखें दोस्तों, शरारी देखें। दोस्तों पहला तावा उड़ गया और ये बैठ गए कबूतर माशाल्लाह से पहले तावे में। चलो भाई कहीं नहीं जाएंगे कबूतर। पता नहीं यार हमारी नाक इतनी तेज नहीं है। और उसामा भाई कुछ और उसामा भाई कुछ बताएं अपने बारे में, कब से शौक कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको?
और किसी के उस्ताद या शागिर्द हैं आप या सिर्फ अताई ऐसे ही शौक करते हैं न्यूट्रल? अच्छा आओ आओ आओ, डबल भी करवा दिए दोस्तों, कबूतर डबल भी कर दिया, पहले भी डबल कर दिया आओ। माशाल्लाह से दिलेर कबूतर बाजे उसामा भाई, ये कबूतर जो जाने वाला कबूतर है वो जाएगा भाई। सही बात है, ये जरूर है थोड़े लेट जरूर पड़े क्योंकि जाल नया बनाया, जाल की नहीं था। हाँ जी, जाल तो मैंने दिखाया नहीं दोस्तों आपको, इन्होंने जाल की वजह से थोड़ी बहुत लेट खुलत की है, लेट करे थे कबूतर और नेट इसी वजह से लगाया, नेट भी इसी वजह से लगाया था और जाल जो है वो नया बनाया इन्होंने। मैं आपको जाल का स्पेस दिखा दूँ, बल्कि कबूतर अंदर घुस जाएंगे बाद में दिखाएंगे जाल आपको, काफ़ी बड़ा जाल बनाया है इन्होंने। आओ आओ आओ, ये उसामा भाई कितने भाई कितने का जाल है, साइज क्या है उसामा भाई इसका? 12x12 का जाल बनवाया है दोस्तों, ये पाइप के ऊपर बना हुआ है 12x12 का, काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से जो है वो खुलत भी लेट की क्योंकि जाल में स्पेस नहीं था, पुराने वाले नए कबूतर पुराने कबूतर एक साथ घुसे हुए थे। निकलने की नहीं पड़ी इसको, ज्यादा लगे दाने की इसको, दिमाग से ज्यादा घूम बहुत रहा है इसको, प्लस ज्यादा लग रहा। लो भाई पतंगे उड़ना शुरू हो गई यहाँ पर भी, आओ आओ अरे ले पतंगे उड़ रही है क्या कर और उड़ने शुरू हो गई, ये सारे तारे देता उसामा भाई, फिर अगले सीजन ही उड़ाएंगे आप, लड़ाएंगे कबूतरों को, इस सीजन तो पतंगबाजी देखो ना आपके सामने पतंगे उड़ना शुरू हो। हाँ पतंगे, रमजान भी है फिर उसके बाद, ईद के बाद तो बता रहे हैं कि और पतंगे उड़ना शुरू हो जाती हैं। चलो भाई, पूरे 8 मिनट आपने जो है इनको तावे लगवाए, ये मछलियों वाला है ना नेट, ये खोटी गार्डन पे मिलता है भाई, खोटी गार्डन जगह बता रहे हैं वहाँ पर मिलेगा ये। ये तो पुराना हो चुका है नेट, ये तो काम का नहीं है। बाकी अब इनको बंद करते हैं, भाई तस्वीर लो टाइट करके, तस्वीर भी लेता हूँ सामा भाई की अभी टाइट करके। चलें दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।